सत श्री अकाल जी, मैं सरदारनी परमिंदर कौर रंग FM तो माँ कहती है प्रोग्राम विच आप सब का स्वागत करती हाँ। माँ कहती है जिस विच मैं अपनी माँ दियाँ दित्तियाँ हुई नसीहतां आप जी नाल सांझियां करती हाँ। माँ अक्सर समझाती है कि पुत गलत वक्त ते कही गई सही गल भी बेअसर हो जाती है, इसलिए गल करन तो पहला वक्त जरूर विचार लेना चाहिदा है। मां ने इस नूं बहुत ही सहज तरीके नाल एक कहानी द्वारा मैनूं समझाया। एक बार दो दोस्त सन, दोनों ने पार्टनरशिप विच एक दुकान खोली। वह दोनों जौहरी सन, जौहरी जो सोने चांदी हीरे जवाहरात रतन सब दी परख कर लेंदे हन। उन्हां विचों एक बहुत ही ईमानदार सच्चा सुच्चा ते डट के काम करने वाला सी, ओही उसदे उल्ट दूसरा हर वक्त नशे विच गर्क रहन वाला। वो इन्ना क ज़्यादा नशे विच रुझिया रहिंदा कि हौली हौली घर का समान भी वेचना शुरू कर दिता, जो कमाउंदा नशे विच लगा दिंदा। ते एक दिन बहुत ज़्यादा नशा करन करके उसकी मौत हो गई। ते उसका पार्टनर उसके घर गया ताकि घर के मैंबरां नूं दिलासा दे सके। उसका 15 साल का एक बेटा सी जिसने 10वीं तक की अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली सी। उसकी पत्नी एक हाथ विच डब्बी लैके आई, लिया के उसके पार्टनर नूं दिखाउण लगी ते कहण लगी, वीर जी इन्हां ने नशे की हालत विच साडा सारा समान बेच दिता नशे खातर, ते बचिया कुचिया घर है जो गिरवी पिया है। इन्होंने मरण तो पहला आ डब्बी मैनू दिती सी, कहिंदे सी इस विच बहुत ही बेशकीमती हीरा है, इसनू वेच के तू ये घर छुड़वा लेवी। हुण तुसी देखो कि इसकी किन्नी क कीमत मिल जाएगी। उस पार्टनर ने डब्बी खोली, हीरा देखिया, डब्बी बंद कर दिती ते कहन लगा कि अजकल मार्केट का भाव गिरिया होया है, इहने तुहानू उन्ने नहीं पैसे मिलने जिन्ने तुसी चाहुंदे हो, क्यों ना इदां कीता जावे कि तुहाडे बेटे नूं मैं अपने नाल काम च रला लवां, नाले तां इह काम सिख लवेगा ते नाल ही हौली हौली ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਵੀ ਲਏਗਾ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, 3-4 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਉਹੀ ਡੱਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਡੱਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਸਨੇ ਡੱਬੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਇਸਦੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੀਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸਨੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ। ਮਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੀਰਾ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ? ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੀਰਾ ਕਿਉਂ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਚ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੱਚ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ? ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
जो तुम मैनू ये दिखाया सी उदो तुम मुसीबत दे मारे सी। जे उदो मैं कह दिंदा तो थोड़े दिमाग में आना सी कि शायद मेरे दिल च बेईमानी आ गई है, मैं पैसे खाना चाहता हाँ तो जान बुझ के कर रहा हाँ। पर हुण जदों थोड़ा पुत आप पारखी बन गया है, उसने खुद परख्या है, तो यह गल होर भी आसानी नाल समझ आ जाएगी थोड़े। मैं इसे दिन का इंतजार कर रहा सी। उसके कहन मुताबक यह सी कि गल ओही है पर हालात अलग अलग ने। यही गल पहला कहता तो बेईमानी लगनी सी पर हुण कही है। मैनू अपने सच्चे होने का प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सही टाइम ते कीती हुई गल ही असर करती है। मेरी माँ की तो यही सिक्ख्या सी। उम्मीद है तुहानू पसंद आई होगी। कृपा करके कमेंट करके दसना जरूर। धन्यवाद जी।